गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन. कल हमने बात की थी ड्रग इंट्रैक्शन की इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में. आज हम उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे. मैकेनिज्म मतलब क्या? ड्रग इंट्रैक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करके होगा, मतलब ए ड्रग प्लस बी ड्रग साथ में मिलके कैसे एक दूसरे के साथ काम करेगी और कैसे टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी या बेनिफिशियल इफेक्ट देगी. ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके मैकेनिज्म देख रहे हैं हम. पहली है फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शन, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन, तीसरा है फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शन. तीन टाइप की मैकेनिज्म होती है ड्रग इंट्रैक्शन के लिए, बट हमारे सिलेबस में केवल फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन दिया हुआ है, इसलिए हम केवल इसी को ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन की. इन्वॉल्व द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग ऑन अनादर फॉर्म द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. जब हमने फर्स्ट टाइम फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें फार्माकोलॉजी को हमने टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया था. उसमें पहला था फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा था फार्माकोडायनामिक. तो फार्माकोकाइनेटिक में हमने चार टाइप पढ़े थे कि फार्माकोकाइनेटिक जो होता है चार प्रकार से होता है. बॉडी में जाके पहले एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी ड्रग का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन मेटाबॉलिज्म होता है, वैसे एक्सक्रीशन होता है. उसी प्रकार से हम यहाँ पर ड्रग इंट्रैक्शन की भी मैकेनिज्म जो है उसको भी हम इन चार पार्ट में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे कि कैसे ड्रग आपस में इंट्रैक्ट करके किस कैसे एब्जॉर्प्शन उसका चेंज हो रहा है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, कैसे उसका एक्सक्रीशन चेंज हो रहा है. तो हम पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन की. जब हम देखेंगे कि कोई ड्रग हमने ली है, तो उसका जब कोई भी दो ड्रग हमने साथ में ले लिए या कोई ड्रग या फूड हमने साथ में ले लिया है, मतलब जहाँ इंट्रैक्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन जब इंट्रैक्ट होगा, एब्जॉर्प्शन जब चेंज होगा, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो पहला चेंज आएगा पीएच अल्टर होगा, अल्टर्ड पीएच. ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ ड्रग चिलेटिंग चिलेट्स और कॉम्प्लेक्स. तीसरा है ड्रग इंड्यूस म्यूकोसल डैमेज. फोर्थ है अल्टर्ड जीआईटी मोर्टिलिटी अल्टर्ड बैक्टीरियल फ्लोरा. तो हम पहले बात करते हैं अल्टर्ड पीएच की. पीएच किस प्रकार से अल्टर होगा? ठीक है, तो हम देख रहे हैं नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म मोर लिपिड सॉल्यूबल एंड मोर रेडली एब्जॉर्ब फॉर्म जीआईटी देन आयोनाइज फॉर्म. ठीक है, ड्रग टू टाइप के फॉर्म की बनी होती है. पहला होता है नॉन आयोनाइज फॉर्म और दूसरा होता है आयोनाइज फॉर्म. तो जो नॉन आयोनाइज फॉर्म की ड्रग्स होंगी वो क्या होंगी? बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्यूबल होंगी, बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाएगी जीआईटी में एज कम्पेयर टू आयोनाइज फॉर्म. हम एग्जाम्पल की बात कर लें, यदि हमने खाई एंटासिड और साथ में ले लिया हमने N2H2 एंटागोनिस्ट जो है कीटोकोनाजोल. ठीक है, यदि इन दोनों को हमने साथ में ले लिया तो क्या होगा? हमारा जो जीआईटी का पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से टेबलेट डिसोल्यूशन ऑफ कीटोकोनाजोल H2 एंटागोनिस्ट में था वो भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर दीज ड्रग्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 आवर्स इन द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ. इसलिए हमको क्या करना है, दोनों ड्रग को खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गेप लेना है. ठीक है, देन है कॉम्प्लेक्सेशन और चिलेशन. ठीक है, एग्जाम्पल ही हम यहाँ देख लें तो क्या है, टेट्रासाइक्लिन इंट्रैक्ट्स विद आयरन प्रिपरेशन और मिल्क को हम देखें तो अनएब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेक्स. क्या होता है, जब भी हमने टेट्रासाइक्लिन के साथ में दूध पी लिया, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन खाई, टेबलेट खाई, क्या है एंटीबायोटिक, इसके साथ में हमने दूध पी लिया, तो क्या होगा, दूध के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, जीआईटी में जाके एब्जॉर्ब नहीं होगी, सीधे कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा. दूसरे एग्जांपल की बात करें तो है एंटासिड, जिसमें होगा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या करेंगे, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन बाय 80% ड्यू टू चिलेशन. ये क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगे, 85% एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगे, किसका, टेट्रासाइक्लिन का, किसकी वजह से, चिलेशन की वजह से. ठीक है, थर्ड है ड्रग इंड्यूस्ड म्यूकोसल डैमेज. जैसे हम बात करें यहाँ पे एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स है और डिजॉक्सिन है, कार्डियक ड्रग है डिजॉक्सिन और एंटी न्योप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग है. यदि हम इन दोनों को साथ में खाएंगे तो क्या होगा देखते हैं. एग्जाम्पल है एंटी न्योप्लास्टिक का साइक्लोफोस्फामाइड, विनक्रिस्टिन, प्रो
प्रोकार्बाजिन, ये क्या करेंगे, इनिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ सेवरल ड्रग, एग्जाम्पल डिजॉक्सिन, मतलब जो एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग है उसको हमने कार्डिक ड्रग के साथ में खाया, तो एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग जो कार्डिक ड्रग है उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगी, इनिबिट कर देगी, ठीक है। फोर्थ है अल्टर्ड मोटिलिटी, क्या होगा, ये है मेटोक्रोपामाइड, एंटी इमिटिक ड्रग है, वो क्या करेगी, ये एंटी इमिटिक ड्रग मेटोक्लोप्रामाइड क्या करेगी, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ स्टमक एम्पटिंग टाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ साइक्लोस्पोरिन, एंटी इमिटिक ड्रग जो है वो साइक्लोस्पोरिन ड्रग को के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी, क्यों, क्योंकि इसका एम्पटिंग टाइम भी बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से साइक्लोस्पोरिन का टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगा। फिफ्थ है अल्टर्ड इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा, ठीक है, 10% कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डिजॉक्सिन को लेते हैं, 40% या उससे ज़्यादा भी होते हैं जो डिजॉक्सिन को लेते हैं, और उनकी जो डिजॉक्सिन है वो कहाँ पे, इंटेस्टाइनल फ्लोरा में जाके मेटाबोलाइज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की अ लार्ज नंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही लार्ज नंबर में जाके बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसको क्या करते हैं, वहाँ पे किल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्जांपल बात कर लें हम डिजॉक्सिन की, तो डिजॉक्सिन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन की बात हो गई, अब बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग इज अल्टर्ड, अब हमने बात की थी व्हाट इज ऑब्जेक्ट ड्रग, ठीक है, जब हमने डेफिनेशन ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन की बात की थी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो होगा ऑब्जेक्ट ड्रग का वो इंट्रैक्ट होने की वजह से अल्टर हो जाएगा। मेजर मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन इज अल्ट्रेशन इन प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, ठीक है, कहाँ पे अल्ट्रेशन होगा, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग साइट पे, वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंट्रैक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब हम बात करें, हमने इसको तीन पार्ट में डिफाइन करा है, बायफर्केट किया है, डिस्प्लेस्ड ड्रग, डिस्प्लेसर और इफेक्ट, मतलब जो हमने खाई है एंटीकोगुलेंट्स और साथ में लिए फिनाइल ब्यूटाजोन, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, फिनाइल ब्यूटाजोन जो ड्रग है वो एंटीकोगुलेंट्स के साथ में मिलके क्या करेगी, क्लोटिंग टाइम को बढ़ा देगी, रिस्क ऑफ हेमरेज को बढ़ा देगी, इसलिए दोनों ड्रग को साथ में नहीं खाना है, थोड़े डिफरेंस में खाना है। नेक्स्ट ड्रग की हम बात करें टॉलब्यूटामाइड, सल्फोनामाइड्स, तो ये क्या करेगी, सल्फोनामाइड जो ड्रग है वो टॉलब्यूटामाइड के साथ में काम करके इंक्रीज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को ये बढ़ा देगी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन की, तो क्या होता है, जब भी मेटाबॉलिज्म होता है कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है, किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो लीवर में हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एंजाइम्स काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एंजाइम्स का इनिबिशन होगा और एंजाइम का इंडक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कौन सी ड्रग एंजाइम इंडक्शन करवाएगी, कौन सी ड्रग एंजाइम इनिबिशन करवाएगी, तो एंजाइम इंडक्शन, अ ड्रग में इंड्यूस द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनादर ड्रग और इवन इट्सेल्फ, ठीक है, एग्जाम्पल बात करें रिफाम्पिसिन की, तो डिक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ओसीपीएस कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूवर, ठीक है, रिफाम्पिसिन जो है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ में यदि हमने लिया है रिफाम्पिसिन को, तो वो क्या करेगी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होगा हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उसको कम कर देगी, ठीक है, किसकी वजह, और वहाँ पे क्या होगा, एंजाइम इंडक्शन होगा, इन दोनों को साथ में लिया तो वहाँ पे एंजाइम इंडक्शन हुआ तो उसकी वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो ओसीपीएस था वो भी कम हो गया। अब बात करते हैं एंजाइम इनिबिशन की, तो डिक्रीज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग बाय अनादर, दिस विल लीड टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ टारगेट ड्रग लीडिंग टू इट्स इंक्रीज टॉक्सिसिटी, ठीक है, ये हम बात करें इरिथ्रोमाइसिन की, तो क्या होगा, इरिथ्रोमाइसिन को हमने यदि
टर्फेनडाइन के साथ में लिया है, ये कार्डियोटॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा किसकी वजह से, जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट है एक्सक्रीशन इन्फेक्शन, इसमें क्या होगा, चेंजेस इन एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, क्या होगा, पेनिसिलिन और नेलडिक्सिक एसिड को हम प्रोबेनिसिड के साथ में लेंगे तो प्लाज्मा लेवल क्या होगा, एलिवेट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों को साथ में लेने से प्लाज्मा लेवल एलिवेट हुआ तो जो हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन है, वहाँ पे चेंजेस आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चेंजेस इन रेनाल ब्लड फ्लो, तो लिथियम बाइकार्बोनेट के साथ में यदि हमने NSAIDs लिया है तो रेनाल क्लियरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा लिथियम का और टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से रेनाल ब्लड फ्लो में चेंजेस आएंगे। तो ये था एक्सक्रीशन इंट्रेक्शन, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रेक्शन। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है फार्माकोकाइनेटिक इंट्रेक्शन की। थैंक यू।